सुजुकी जिक्सर SF150, इसका लुक देखिए फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ये डुअल टोन कलर में है, ऑरेंज एंड सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन रखा गया है। यहाँ पर राइट साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसा इसका लुक बन जाता है। यहाँ पर देखिए सिल्वर एंड ऑरेंज कलर के लुक के साथ में, और पीछे में मिलने वाला है आपको LED टेल लाइट यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से। और लेफ्ट साइड से देखें तो सारी गार्ड इसका थोड़ा सा सर्कुलर रखा गया है, और लेफ्ट साइड से कुछ ऐसे प्रोफाइल बन जाएगा। इसके डिटेल फीचर्स को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ये पड़ने वाला है 1,75,000। 15,000 का डिस्काउंट है तो 1,60,000 पे करना पड़ेगा। और फ्यूल टैंक का कैपेसिटी 12 लीटर का है, माइलेज आपको मिल जाएगा 45 के आसपास। और यहाँ पर आप स्टिकर देख रहे हैं, इसका मतलब कि 23 का इंजन इसमें इस्तेमाल किया गया है। एथेनॉल मिक्स होकर जब पेट्रोल आएगा तो उसको भी आप इसमें यूज़ कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका हेडलैम्प स्प्लिट में रखा गया है, 3 कंपार्टमेंट बन जा रहा है। DRL लाइट के साथ में कुछ इस तरह से इसका विजिबिलिटी होगा। यहाँ पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फ्रंट में मिलने वाला है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और आगे और पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक रखा गया है। फ्रंट में मिलने वाला है ABS, तो सिंगल चैनल ABS इसमें मिल जाएगा। ये ब्रेक कैलिपर जो है बीबर का इस्तेमाल किया गया है। व्हील का जो रेडियस है 17 इंच है। फ्रंट व्हील थोड़ा सा आपको नैरो मिलेगा। यहाँ पर फ्रंट व्हील का साइज 100x80 का है। पीछे का आपको मिल जाएगा, वो दिखाता हूँ। ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किया गया है, एलॉय व्हील है, और यहाँ पर स्टिकर कुछ इस तरह से दिखेगा। फेयरिंग आपको मिलने वाला है कुछ ऐसे, सिल्वर कलर से है। जिक्सर का जो लेटरिंग है वो थोड़ा सा स्पोर्टी टच के साथ में रखा गया है। और फ्यूल टैंक का यहाँ पर शेप देख लीजिए कुछ ऐसा। यहाँ पर इंजन 150cc का मिलने वाला है, इंजन को ब्लैक कलर कर दिया गया है। यहाँ पर ACP का ये ब्रांडिंग देख रहे होंगे, या Suzuki का अपना टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से इसका जो परफॉर्मेंस है वो आपको इम्प्रूव मिलेगा। ट्विन बैरल साइलेंसर है, क्रोम फिनिश के साथ में कुछ इस तरह से दिखने वाला है। साउंड आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर इसके रियर सस्पेंशन को देख लीजिए, तो मोनोक्रॉस सस्पेंशन है, रेड से स्प्रिंग रखा गया है। और इसका जो रियर व्हील है ये आपको थोड़ा सा वाइड मिलेगा। रियर व्हील का जो साइज़ है 140x60 का है। ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किया गया है। रियर अगर देखिए कुछ इस तरह से दिखने वाला है स्प्लिट में। और टेल लाइट तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। और यहाँ पर सेंट्रल लाइन जो है स्ट्रिप, यहाँ पर सिल्वर एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में जा रही है, कुछ इस तरह से दिखने वाली है। और इसका ग्रैब रेल स्प्लिट में रखा गया है, और ऑरेंज कलर है, तो यहाँ पर सिल्वर बेस के ऊपर ऑरेंज का जो लुक है कुछ ऐसा दिखने वाला है। स्प्लिट में इसकी सीट रखी गई है, सिंगल स्प्लिट में 2 लेवल पर आपको सीट मिल जाएगा। और इसके मीटर कंसोल की बात करें तो ये मिलने वाला है फुली डिजिटल, ग्रे कलर से बेस रखा गया है, लेटरिंग ब्लैक से आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो टाइम का पता चलेगा, 2 ट्रिप इन्फॉर्मेशन हो जाएगा इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। बाकी कॉल SMS अलर्ट नेविगेशन ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल स्विचेस में 4 मिल जाएगा। फ्रंट में पासिंग लाइट, अपर डिपर, इंडिकेटर, हॉर्न, और राइट साइड में आपको 2 मिलेगा। रेसिंग बार सिंगल रखा गया है, कुछ ऐसा इसका लुक हो जाएगा। तो ये है इस बाइक का सारा डिटेल। यदि आपको फर्दर कॉल करना है, कोई इंक्वायरी है, तो इस एड्रेस पर आप विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। विवा सुजुकी ये परेल में है। थैंक यू, बाय बाय।